हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास टेंथ का ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो ये एक जस्ट लाइक एक छोटा सा टॉपिक बनता है। हालांकि संसाधन के अंतर्गत बहुत सारा लंबा संसाधन है, जल संसाधन, कोयला संसाधन, अलग अलग पढ़ना है, ऊर्जा संसाधन, लेकिन इस छोटी सी वीडियो में और ये जो चैप्टर है इसको कवर करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। पूरी वीडियो को आपको देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहली बात तो जितना सारा एमसीक्यू क्वेश्चन है, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा लिखने के लिए तो आप आराम से लिख पाओगे, लेकिन जब टॉपिक को समझोगे तो, क्योंकि सोशल एक ऐसा सब्जेक्ट है डियर जिसको समझना पड़ता है ध्यान से। अगर आप उसको ध्यान से समझ लेते हो ना, इंटरटेनमेंट टाइप का, मतलब थोड़ा सा बड़ा अच्छे अंदाज में समझ लेते हैं, तो फिर वो आपके लिए मतलब यूं चुटकियों में काम हो जाएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं संसाधन। तो यहां पे सबसे पहली बात ये संसाधन, तो सबसे पहला सवाल खड़ा होगा कि संसाधन है क्या, संसाधन कहते हैं किसको। ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, संसाधन उसको कहेंगे यानी कि हमारे जीवन में उपयोग होने वाली वो सभी वस्तुएं, यानी कि हमारे जीवन में जितनी सारी वस्तुएं उपयोग होती है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती वो सब संसाधन कहलाती है। ठीक है ना, मतलब अपना भाषा में आपको लिखना है कि हमारे जीवन में उपयोग होने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। जैसे मैं एक कलम को यूज कर रहा हूं तो कलम क्या है, संसाधन है। इस बोर्ड को यूज कर रहा हूं तो इस बोर्ड क्या है, संसाधन है। इस मोबाइल को यूज कर रहा हूं तो ये मोबाइल क्या है, संसाधन है। ये तो मैंने छोटा छोटा बता दिया। आप ये लाइट देख रहे हो, ये भी क्या है, संसाधन है। ये जो बिजली देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये भी संसाधन है। कोयला, पेट्रोलियम, घर, सड़क, वायु, पानी, हवा, जितना चीज देख रहे हैं सब के सब संसाधन है। यहां तक कि अगर आपके लिए, अगर आप मुझे यूज कर रहे हो, पढ़ रहे हो मेरे से, तो आपके लिए मैं भी संसाधन हो गया हूं। अगर मैं आपसे पैसा कमा रहा हूं तो मेरे लिए आप भी संसाधन हो गए। मतलब कि एक ऐसी चीज, ऐसी वस्तु जो इंसान की आवश्यकताओं को पूरा करता है उसको क्या बोलेंगे, संसाधन बोलेंगे। समझ में आ गया। अब संसाधन में बहुत कुछ है, जितना जितने चीज आपको आपके आंखों से दिख रही है ना, जो आपके यूज हो रहा है, आपको इस्तेमाल, आप उसको इस्तेमाल करें ना, वो सब क्या है, संसाधन कहा जाएगा। ठीक है ना, अब चलते हैं जी संसाधन का। तो सबसे पहले संसाधन तो समझ गए ये सब बातें। संसाधन का जो सबसे बेस्ट डिफिनेशन देने वाले एक है जिमरमैन, जिसका ऑब्जेक्टिव वाले बनता है सवाल। ठीक है ना, जिमरमैन एक खगोलविद रहा, मतलब कि भूगोलविद, मतलब सबसे भूगोल के बारे में जानने वाला बेहतर वैज्ञानिक रहा है ये भूगोलविद। जिमरमैन नाम का एक वैज्ञानिक है, भूगोलविद करके। ठीक है ना, तो इन्होंने संसाधन के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये सेंटेंस है इनका, ठीक है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। देखिए ये वाला लाइन जो है किसने बोला, सवाल पूछता है कि ये लाइन संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये वाक्य, ये कथन किसने बोला, तो जिमरमैन एक बहुत ही प्रसिद्ध भूगोलविद हैं, उन्होंने बताया थी कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। देखिए अब मुझे मिठाई खाना है तो मैं मिठाई ले लिया, अब मिठाई मेरे लिए संसाधन हो गया। जब तक आप मेरी वीडियो देख के पढ़ रहे हो तब तक मैं आपके लिए संसाधन हूँ। ठीक है ना, तो मतलब इन्होंने बोला कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, यानी कि हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जिस चीज़ को हम यूज करते हैं वो मेरे लिए क्या हो गया, संसाधन हो गया। क्लियर सी बात है। तो चलिए अब समझते हैं कि संसाधन को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, कैसे कैसे उसको डिवाइड कर सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, एकदम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम संसाधन को वर्गीकरण करेंगे उत्पत्ति के आधार पर, मतलब उत्पन्न के आधार पर, जो उत्पन्न हो रहा संसाधन जो उत्पन्न होता है तो उसको दो भाग में बांट दिया, जैव और अजैव। ठीक है ना, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसको बोलेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो बाद में लिखना, लेकिन अभी ध्यान से सुनो तुमको याद हो जाएगा। ठीक है ना, जैव उत्पत्ति के आधार पे आपका सवाल अगर आएगा तो ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन जैव संसाधन है। तो जैव किस संसाधन किसे कहते हैं, अगर उसका डिफिनेशन आप जान जाएंगे तो आराम से लिख सकते हैं। जैव
वैसा संसाधन जिसमें सजीवों का लक्षण पाया जाता है। सजीव होता है ना, जिसमें जान होता है ना, उसको बोलेंगे जैव संसाधन। जैसे मानव, जानवर, वनस्पति, पेड़ पौधा, जीव जंतु, ये क्या है? जैव है, क्योंकि इसमें सजीवों का लक्षण पाया जाता है। तो जिस संसाधन में सजीवों का लक्षण पाया जाता है उसे जैव संसाधन कहेंगे, ठीक है। और अजैव संसाधन किसे कहेंगे? तो अजैव जस्ट इसका उल्टा, यानी कि जिस संसाधन में निर्जीव का लक्षण पाया जाता है, निर्जीव यानी कि जिसमें जान नहीं होती है, तो जिस संसाधन में निर्जीव का लक्षण पाया जाता है, जैसे कुछ भी बोल लो, जिसमें जान नहीं है, कलम, कॉपी, किताब, जो भी है ना, उसमें जान तो है नहीं, है ना, कोयला, पेट्रोलियम, जो भी बोल दो, सब जैव अजैव। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर दो तरह तरीके से संसाधन हो गया, एक संसाधन जैव हो गया, एक अजैव हो गया, यानी कि दो तरह संसाधन बन गया उत्पत्ति के आधार पर। तो अगर ऑब्जेक्टिव सवाल में आ जाए कि इनमें से कौन जैव संसाधन, तो आराम से बता दीजिएगा। जैव मतलब जिसमें जान है, जिसमें सजीवों का लक्षण है, चाहे वो चल रहा है, चाहे दौड़ रहा है, चाहे जन्म ले रहा है, चाहे वृद्धि हो रहा, जैसे पेड़ पौधा जैव हो गया, जानवर मनुष्य जैव हो गया, अजैव जिसमें जान नहीं है, क्लियर है। अब एक और है यहाँ पे, उपयोगिता के आधार पे, मतलब इस यूज के आधार पे, उपयोगिता के आधार पे दो तरीके से बांटते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। भाई साहब, ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय बहुत बार पूछा जाता है, एकदम ध्यान से देखो, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। नवीकरणीय नवी मतलब सुनो नया, यानी कि ऐसा संसाधन जिसको बार बार नया कर सकते हैं। इस तरह अरे माइंड में दिमाग में सेट कर लो कि नवीकरणीय संसाधन कहते हैं किसको। आपको डिफिनेशन लिखना है तो डिफिनेशन लिखना, लेकिन ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा तो आराम से बना लेना। नवीकरणीय संसाधन उस संसाधन को कहेंगे जिस संसाधन को हम बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे हवा, हम एक बार लिए फिर ले रहे, जिंदगी जब से पैदा हो तब से हवा ले रहे हैं, है ना, यानी कि आदमी अपनी जिंदगी भर हवा लेते रहेगा, पानी पीता रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, जैसे सूरज की रोशनी, ये क्या हमेशा हम प्रकाश, है ना, सौर प्रकाश, सूर्य के प्रकाश हमेशा यूज करें, तो ये हो गया नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। और अनवीकरणीय संसाधन जिसका हम एक बार इस्तेमाल करेंगे, खत्म। एक बार पहले विश्वास, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो हम जब इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर वो बचेगा नहीं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इसको हम एक बार इस्तेमाल करें खत्म, है ना, पेट्रोलियम, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, है ना, जिसको हम एक बार इस्तेमाल करेंगे खत्म हो जाएगा। यानी कि वैसा संसाधन जिसको सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे नया, उसको मतलब फिर नया से नहीं बना सकते, नया नहीं कर सकते, वो हो गया नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक है, समझ आ गया। दो यहाँ पे हो गया, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब देखिए इसके अंतर्गत और एक पुनः चक्रित संसाधन भी आता, पुनः चक्रित, नवीकरण अनवीकरणीय आ जाता पुनः चक्रित, मतलब जिसको हम फिर से पुनः चक्रित कर सकते हैं। जैसे कि पेड़ पौधा, पेड़ पौधा को अगर हम, पेड़ पौधा जैसे कि कोई कागज ले लिए, पेपर, ठीक है, पेपर कौन सा संसाधन है, नवीकरणीय क्या अनवीकरणीय, तो पेपर हो सर अनवीकरणीय, एक बार यूज करेंगे खत्म हो जाएगा, तो उसका हम लोग पुनः चक्रित करते हैं। क्या करते हैं? पुनः चक्रित करते हैं, यानी कि उस पेपर को हम फिर से पुनः चक्रित कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सवाल बन जाता है। दूसरा देखो, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व मतलब क्या समझे, स्वामित्व मतलब हुआ मालिक, अधिकार, मतलब अधिकार के आधार पर कि ये मेरा अधिकार है, ये मैं इसका मालिक हूँ। इसके आधार पर संसाधन देखो, एक व्यक्तिगत संसाधन हो गया, एक सामुदायिक संसाधन, एक राष्ट्रीय संसाधन, एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ध्यान समझिएगा, एकदम आसान है। व्यक्तिगत का मतलब हुआ प्राइवेट, पर्सनली, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, किसी भी व्यक्ति का अधिकार, जैसे कि मेरा ये मोबाइल है, या मेरा मोबाइल कौन ले सकता है, सरकार सुन ले सकता है, ये मेरा मोबाइल है, मेरा जमीन है, मेरी जमीन है, तो मेरी जमीन वो मेरा संसाधन है, वो व्यक्तिगत संसाधन है, उसमें लिखा हुआ ये फलाना का है, ठीक है ना, ये हो गया व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत के मतलब होता है पर्सनली, जिसका अपना चीज है, जैसे मॉल, ये क्या है, अपना है, सरकार इसमें अधिकार नहीं जमा सकती है, ठीक है। और सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन एक ऐसा संसाधन जो पूरे समुदाय के लिए इस्तेमाल में आए, है ना, जो पूरे समुदाय के लिए यूज में हो जाए, यानी कि जैसे कि रेलवे स्टेशन पूरा समुदाय यूज कर रहा, तालाब बना हुआ गांव में पूरा समुदाय यूज कर रहा, है ना, खेल का मैदान बना हुआ है पूरा समाज उसमें काम जाके खेल रहा है ना जी, नदी है पूरा समाज के लिए है, समझा रहा ना, कब्रिस्तान है पूरा समाज के लिए कब्रिस्तान है, मंदिर है सभी समाज के लिए मंदिर है, मस्जिद है सभी समाज के लिए मस्जिद है, तो ये हो गया सामुदायिक। समुदाय के मतलब होता है समाज, और सामुदायिक का मतलब सामाजिक
यानी कि सामाजिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन, वैसा संसाधन जिसमें पूरे समाज का हक हो, उस पर सब मालिक। अगर किसी मंदिर में किसी ने दूसरा कुछ कोई कर दिया तो सब खड़ा हो जाएगा, तुमने ये क्या कर दिया है, ठीक है ना। लेकिन अगर मेरे खेत में कोई आकर कुछ कर देगा तो कोई नहीं बोलेगा अरे निकलो तुम, है ना, जो जिसका है वो करेगा, वही हाल है, ठीक है। तो ये व्यक्तिगत पर्सनली हो गया, समुदाय हो गया। अब देखिए राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन क्या है, राष्ट्र के अंदर यानी कि देश के अंदर जितने सारे संसाधन है सबके सब क्या है, राष्ट्रीय संसाधन। चाहे तुम्हारा अब्बा का हो या तो तुम्हारा समाज का हो, सब राष्ट्रीय संसाधन आ जाएगा। यानी कि राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत ये दोनों आ जाएगा। अगर मेरा जमीन, अगर मेरी जमीन है वहां पे और सरकार चाहेगी हमको वहां से रेल लाइन ले जाना है तो मेरी जमीन सरकार ले सकती है। यानी कि हमारे देश के अंदर जितना सारा संसाधन है ना, वो सब क्या हो गया, राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। अब चाहे मेरा रहे, चाहे तुम्हारा रहे, चाहे समाज का रहे, चाहे इस गांव का रहे, चाहे उस गांव का रहे, वो राष्ट्रीय संसाधन हो गया, ठीक है ना, नेशनल बोल सकते उसको, राष्ट्रीय संसाधन हो गया। अब एक और आती है, सर सब कुछ राष्ट्रीय संसाधन है, कोयला पेट्रोलियम जमीन के अंदर है वो भी राष्ट्रीय संसाधन हो गया, सब कुछ जितना कुछ देख रहे सब सब राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है। सर अब हमारे देश के बाहर जो समुंदर है वो क्या है, वो कौन सा संसाधन है, तो ये भी सवाल बनता है एग्जाम में। हमारे देश जैसे आप किसी कोई भी देश हो गए, देश और देश के बाद जो समुंदर इलाका यानी कि महासागर है, क्या है, महासागर जो है, जैसे कि हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है ना जी, तो हमारे देश का जो तट है ना, जो बीच है, बीच गोवा वाली बीच, तो ये तट से जो है 200 किलोमीटर दूर तक, 200 किलोमीटर दूर तक जो संसाधन है, जो एरिया है, जो पानी है, वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा, मतलब वो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। समझ में आ रही मेरी बात, यानी कि हम किसी भी देश का जो तट है, समुद्री तट है, महासागर के किनारा जो है, उस किनारा से लेकर 200 किलोमीटर तक, कितना किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक दूरी, ठीक है, यहां तक जो दूरी है वो पूरा किसका है, उस देश के अंतर्गत आता, जिस देश के बगल में लगा हुआ है महासागर, जैसे भारत के बगल में हिंद महासागर, तो हिंद महासागर भारत के जो छोर से लेकर हिंद महासागर तक पूरा राष्ट्रीय संसाधन आएगा। अब उस 200 तक तो क्या हो गया, इस 200 तो राष्ट्रीय संसाधन हो गया। अब सर 200 के बाद जो पानी है वो 200 किलोमीटर तक है, मानते हैं सब भी यहाँ पे भारत है, 200 किलोमीटर तक पानी है, महासागर है, ठीक है ना, वो तो हो गया राष्ट्रीय संसाधन। 200 किलोमीटर के बाद जो पूरा पानी है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, कोई देश इस पर अधिकार नहीं करा जमा सकता है, ये जब उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है वो अधिकार देगा तब वो काम में ला सकता है। यानी कि 200 किलोमीटर किसी भी देश का जो समुद्र तट है, ठीक है ना, उससे 200 किलोमीटर के बाद का जो संसाधन है वो संसाधन कहलाएगा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। याद होगा कि ना हो गया, सवाल बनता है ना, ये सवाल बनता है 200 किलोमीटर वाला, कि महासागर इलाका, देश से महासागर इलाका दूर, कितना दूर तक राष्ट्रीय संसाधन है, तो 200 किलोमीटर तक बनता है, ऑब्जेक्टिव करेगा। अच्छा, और अगर विकास के आधार पर देखा जाए तो एक संभावी संसाधन है, संभावी मतलब संभावना है कि यहाँ पे ये हो सकता है। जैसे राजस्थान पढ़े हैं ना जी, राजस्थान के बारे में पढ़े हैं कि राजस्थान में सौर ऊर्जा का संसाधन है, सौर ऊर्जा का बहुत ज़्यादा संभावित संसाधन है, मतलब वहाँ सौर ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो सकता है राजस्थान में, तो इससे भी सवाल बनता है भारत का कौन सा राज्य है जहाँ सौर ऊर्जा का संभावित है, मतलब बहुत संभावना है संसाधन के लिए, तो राजस्थान हमारा संसाधन है। यानी कि जिसका संभावना है, मेरे अभी यहाँ पे मानो कि संसाधन, जैसे हिमालय के नीचे जो है संसाधन छुपा हुआ है, संसाधन संभावित है कि संसाधन है, लेकिन उसका यूज नहीं कर पा रहे हम, किसी कारण से काफ़ी महंगा होगा उसको निकालना, बहुत काफ़ी, तो उसका यूज नहीं कर रहा, ठीक है ना। एक है विकसित संसाधन, विकसित मतलब जो विकसित होया हुआ है, ठीक है, जो पूरा तरीके से विकसित हो गया वो संसाधन जिसको हम लोग यूज करें, जैसे नदी पूरा यूज है ना, उसको क्या बोलेंगे, विकसित संसाधन। अब बहुत सारा संसाधन हो गया लेकिन उसका यूज नहीं कर रहे, जैसे नदी है ना, नदी जैसे गंगा नदी, ठीक है, अब गंगा नदी तो बना हुआ था, अब हम चाहेंगे तो उस नदी से बिजली भी उत्पन्न कर सकते हैं, तो वो हमारा विकसित संसाधन हो जाएगा। एक भंडार है, भंडार संसाधन क्या होता है, भंडार का मतलब जमा, जो संसाधन संचित है, जो जमा है उसको क्या बोलेंगे, भंडारित संसाधन बोलेंगे। और एक है संचित कोष संसाधन, ये भी मतलब उसी तरह सारा भंडार संसाधन, ठीक है ना। तो इस तरह से ये वाला पोर्शन आपको क्लियर हो गया है, ठीक है।
अब जानते हैं संसाधन के नियोजन के बारे में, ठीक है। संसाधन के नियोजन के बारे में, संसाधन के संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उठाए गए हैं और क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसके बारे में जानना है। क्योंकि सवाल बहुत सारा बनता है डियर आपका, अब तक बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। देखिए, पहला संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन होता क्या, नियोजन बना है योजना से, यानी कि अगर हम किसी भी संसाधन को विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग कर रहे हैं तो वही है हमारा संसाधन नियोजन। मतलब कि हम संसाधन को जितना आवश्यकता है उतना ही यूज कर रहे हैं, जितनी आवश्यकता है उतना ही यूज कर रहे हैं, तो वो संसाधन कहलाएगा विवेक में संसाधन नियोजन। जैसे मुझे कोयला की कमी है या मुझे बिजली की कमी है, तो मुझे जितना जरूरत है उतना ही यूज कर रहे हैं ना, तो वो कहलाएगा संसाधन नियोजन, ठीक है ना। अब देखिए, संसाधन नियोजन के लिए क्यों जरूरी है, भारत में बहुत जरूरी, क्योंकि देखिए अगर आप झारखंड चले जाइए तो झारखंड में आपको खनिज का भंडार मिलेगा, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, खनिजों का भंडार मिलेगा। लेकिन उस खनिज के अलावा और भी तो संसाधन है ना, और भी तो, मतलब किसी भी स्टेट में देख लीजिए पूरी तरीके से कोई भी संसाधन परिपक्व नहीं है कि हर संसाधन हो। जैसे आप झारखंड जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, वहाँ कोयला का बहुत भंडार है, ठीक है ना, बहुत कोयला है, लेकिन उसके अलावा जो और संसाधन है वो कमी है, तो वो पूरा हो गया। बिहार आ जाइए तो बिहार में आपको चूना पत्थर का बहुत सा मिलेगा, पायराइट खनिज, चूना पत्थर का बहुत ढेरों भंडार लगा हुआ बिहार में, तो लेकिन इसके अलावा जो और भी संसाधन है उसकी कमी है। आप अरुणाचल प्रदेश चल जाएंगे, वहाँ जल की बहुत बहुत है, जल बहुत है, लेकिन जल के अलावा जो और भी है वो कमी है। राजस्थान चले जाएंगे आप तो राजस्थान में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा बहुत काफ़ी है ना, बहुत काफ़ी संभावना है, वहाँ बहुत यूज होता है, ठीक है, बहुत बेहतर है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा का बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके उल्टा जाइए तो फिर वहाँ कमी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हर स्टेट में कुछ ना कुछ कमियाँ हैं, ठीक है ना, यहाँ कुछ है तो वहाँ कुछ नहीं, वहाँ कुछ है तो यहाँ कुछ नहीं, इसलिए हमें संसाधन को नियोजन के तरीके से यूज करना पड़ेगा ताकि मेरा बचा हुआ संसाधन उसके पास भी हो, है ना। अगर मेरे पास कोयला हो रहा ज्यादा तो मैं कोयला को इस तरह से यूज करूंगा कि ये कोयला दूसरे स्टेट में भी जा पाए, ठीक, तब जाके संसाधन नियोजन होगा। जाहिर सी बात है, जब आप संसाधन को विवेकपूर्ण तरीके से यूज करोगे तभी तो वो दूसरा बंदा यूज कर पाएगा, है ना जी। अब आप सोच रहे सर अब हम कोयला लाए हैं एक पेटी, तो अपना पैसा खरीद के लाए हैं सर, तो फिर उसका कैसा नुकसान होगा। तो भाई साहब, अगर एक पेटी कोयला लाए हैं, एक ड्रम कोयला लाए हैं, तो उसको जब उसको आप 10 दिन में यूज कर लेते थे, लेकिन विवेकपूर्ण से यूज करेंगे तो उसको आप 20 दिन में यूज करेंगे, ठीक है ना। तो 20 दिन तक यूज करते रहेंगे तो बचा ना 10 दिन किसी ना किसी का काम तो आया होगा। ये है विवेकपूर्ण तरीके से संसाधन। तो इतना से बहुत सारा क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब देखिए, इस संसाधन को नियोजन के लिए, संसाधन को संरक्षण करने के लिए बहुत सारे हमारे नेता, गण नेता, मतलब साइंटिस्ट जो भी बोले ना, उन लोगों ने बहुत सारे कदम उठाए। जैसे कि महात्मा गांधी बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं और चिंतक भी रहे हैं इसके बारे में। और पहली बात तो मैं ये बता दूँ, महात्मा गांधी जो है बताते थे जो मशीनों का जो आविष्कार हुआ था, तो महात्मा गांधी इसका बहुत विरोध करते थे। अरे यार, मशीन का आविष्कार हो जा रहा। अब आपको लग रहा सर महात्मा गांधी काहे विरोध कर रहे थे, है ना, तो मशीन का आविष्कार हो रहा, लेकिन महात्मा गांधी का यह सोच था कि जब मशीन का आविष्कार हो जाएगा ना, जब मशीन का विकास हो जाएगा, तो ये जो लेबर मजदूर जो काम कर रहा है उसका क्या होगा। भाई साहब, तो देख सकते कहाँ दिमाग उसका काम कर रहा ना। जैसे खेत के लिए, अब पहले धान की खेती के लिए हाथ से रोपता था, अभी भी कहीं कहीं रोपाता है, लेकिन अब मशीनें आ गई है ना, अब वही हाथ मशीन रोप देता है। अच्छा, वो तो खैर है। अब धान काटने के लिए बहुत सारा, अभी तो धान काटना तो आम हो गया मशीन से, है ना। 10 साल पहले मैंने देखा था, 15 साल पहले ही मशीन से धान काटते हुए देखा, 15 साल पहले मैं देखा, अब छोड़ दीजिए, मैं भी धान काटा हूँ जब मैं था पहले, ठीक है। तो मशीन से धान काटती थी, अभी भी मशीन से धान काट रहे, तो पहले हाथ से धान काटते थे हसुआ से, अब भाई साहब जो लेबर मजदूर जो उससे धान काट के अपने जीवन यापन कर रहा था बेचारा, उनका तो गया, है ना। तो महात्मा गांधी इसके खिलाफ थे। महात्मा गांधी बोलते हैं कि हमारे पेट भरने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास, हाँ हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। देखिए, ये लाइन बोला था कि हमारे पास जो है पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये महात्मा गांधी ने बोला था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने, समझ रहे हो, पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। पेट तो भर लेते हैं, लेकिन पेटी भरने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो पेटी भरने के लिए हमको कुछ बनाना पड़ेगा। ये लाइन पूछ सकता है, जैसे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा, जिमरमैन ने कहा, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, ये कथन किसने कहा, महात्मा गांधी ने कहा। इसके बाद आप एक मेधा पाटिकर को जानते हैं, है ना, इसके बारे में पढ़ें, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ जल से संबंधित है, जल मतलब जल के लिए, ठीक है ना। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन इन्होंने चलाया था, मेधा पाटकर आंदोलन चलाया था,
ताकि ये भी क्या है, नर्मदा बचाओ मतलब जल की तो है, नर्मदा नदी है ऑलरेडी, है ना, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन तो एक ये भी संसाधन के लिए बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो मेधा पाटकर इसके लिए बहुत चिंतक रहे हैं, इन्होंने ये बड़ा मतलब आंदोलन चलाया, बहुत सराहनीय कदम उठाए हैं इन लोगों ने। फिर देखो सुंदरलाल बहुगुणा, ये भी जानते हैं उत्तराखंड के, है ना, सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन चलाया था, वहाँ के महिलाओं ने, वहाँ के लोगों ने पेड़ पर चिपक गए थे और बोले तो मुझे, मैं इसे काटने नहीं दूंगा, ये संसाधन है भाई साहब। पहली बात तो संसाधन है, दूसरी बात तो ये हमको ऑक्सीजन दे रहा, सब बातें यहाँ पे है, ठीक है। तो संसाधन का की रक्षा की गई, तो बहुत बहुत बड़ी सराहनीय कदम उठाया उन्होंने सुंदरलाल बहुगुणा ने। एक है संदीप पांडे है, इन्होंने वर्षा जल संचय के लिए भी आंदोलन करवाया, कि जो वर्षा हो रही, जो बारिश होती है, जो नेचुरली जो बारिश होती है ना, उसके जल को जमा किया जाए, और जब जमा करेंगे उस जल को यूज किया जाए, मतलब सोच रहे कितना अच्छा दिमाग लगाया। तो मुझे अभी भी हम लोगों की जरूरत है, हम अगर हम ये सब आंदोलन नहीं चला सकते हैं तो कम से कम इतना तो काम कर सकते हैं ना कि जो कुछ हम यूज कर रहे हैं उसको हम विवेकपूर्ण तरीके से यूज करें, ढंग से यूज करें, ताकि ज्यादा यूजलेस ना हो। जैसे पानी है, पानी को जितना जरूरत है उतना ही यूज करेंगे, है ना। आग है या कोयला है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो कुछ भी है हम यूज कर रहे हैं उसको अपने आवश्यकता के अनुसार ही यूज करें, मतलब जितना है उतना ही, ज्यादा वेस्ट ना करें। ऐसे में अगर वेस्ट करते हो तो फिर वो संसाधन की कमी है। फिर इस महापुरुष ने क्यों किया, महात्मा गांधी जी, मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, संदीप पांडे, बड़े, फिर इसको क्या जरूरत थी सब काम करने के लिए, इसके जीने के लिए तो बहुत कुछ था, पेट भरने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन इन्होंने कदम क्यों उठाया, क्योंकि हमारे आने वाला पीढ़ी जो है इसका फायदा ले सके। अगर हम अभी पूरा यूजलेस बन जाएंगे तो हमारे आने वाला पीढ़ी जो हमारी नस्ल होगी वो इसका फायदा नहीं हो पाएगी। अब हम पढ़ते हैं कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्या, हमारे देश में तो बहुत सारा कदम उठ गया ना, अब हमारे देश में इकोलॉजी के लिए उठ रहा है, पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, बहुत कुछ होता है, ठीक है। अब अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्या क्या हो रहा है, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या कदम उठाया गया अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, बहुत जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी संसाधन को संरक्षित करने के लिए बहुत बड़ा बड़ा सराहनीय कदम उठाया गया है, और इससे हमें प्रेरणा मिलेगी कि हम भी इस कदम को मतलब बनाए रखें, जिन्होंने वो कदम उठाया है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे पहले याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे पहले स्टॉकहोम में जो है, स्टॉकहोम में 1972 में जो है विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था पर्यावरण संरक्षण के लिए, विश्व स्तर पे हमारे भारत। तो इस तरह से हर देश में अपने लोगों को कदम उठाया, जैसे भारत में चिपको आंदोलन हो रहा है, जल बचाव हो गया, नर्मदा बचाव हो गया, गंगा सफाई, बहुत कुछ अभी भी होते आ रहा है। यानी कि संसाधन के बचाव के लिए हमेशा हमेशा मतलब पुरखों से शुरुआत से जो है ये सब आंदोलन होते आ रहा है। इसके बाद देखते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जो सम्मेलन हुआ है, इसमें पृथ्वी सम्मेलन का भी नाम आता है। पृथ्वी सम्मेलन बहुत ही सराहनीय माना जाता है जी, 3 बार पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कितने बार हुआ था? 3 बार हुआ था। सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में एक शहर है रियो डी जेनेरियो, तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। सवाल बनता है बहुत बार कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, कहां हुआ, ये दो सवाल ऑब्जेक्टिव में जरूर बनता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है ना। दूसरा है कि 1997, जस्ट 5 साल बाद, इसके जस्ट 5 साल बाद 1997 में न्यूयॉर्क में होता है दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। फिर इसके बाद 1997 में जब न्यूयॉर्क में होता है, तो फिर 2002 में जो है जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों पॉइंट को याद रखें, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में होता है रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997 में होता है जो न्यूयॉर्क में होता है, ये दूसरा वाला ज्यादा था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में हुआ था, न्यूयॉर्क में होता, कहां हुआ था याद रखेंगे। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है 2002 में होता, जोहान्सबर्ग में होता। इसी के दरमियान 1997 में ही एक बार फिर एक बार क्योटो सम्मेलन होता है। क्योटो एक जापान का शहर है, ठीक है, क्योटो, वहां पे ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये सम्मेलन किया गया था कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जाए। जाहिर सी बात, ग्लोबल वार्मिंग भी एक संसाधन को नुकसान पहुंचाने वाला गैस है, तो ग्लोबल वार्मिंग में कम से कम 6 गैस का जिक्र किया गया है। 6 गैस में इंपोर्टेंट गैस आपको मैं बता दूं, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। इन सभी गैसों से छुटकारा पाने के लिए, इनको कम करने के लिए जो है ना, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग 1997 में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि संसाधन का संरक्षण के लिए
हमारे देश नहीं बल्कि पूरे विश्व स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसकी इसके लिए कदम उठाया गया है। तो इसके लिए सिर्फ हम ही चिंतित नहीं होंगे, पूरा देश चिंतित है, पूरी दुनिया आज परेशान है संसाधन को बचाने के लिए, पूरी दुनिया परेशान है, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी जी बहुत अच्छी बात बोले थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। तो हमको पेटी भरने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा, संसाधन को संरक्षित करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं फिर से एक बार आपको लास्ट में बोलना चाहता हूँ कि संसाधन जो कुछ भी हम यूज करें सब तो सब संसाधन है, ठीक है ना। तो उसको वहीं तक यूज करें जहां तक जरूरत है, जहां तक मेरी जरूरत पूरा हो जा रही है वहीं तक यूज करेंगे, यानी कि यूजलेस नहीं करेंगे उसको, बेकार नहीं करेंगे। अगर पानी का यूज करें तो पानी उतने ही तक यूज करें जितना हमें जरूरत है, बेकार का पानी उस पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कदम रहे, कम से कम छोटे स्तर से उठेंगे तब तो बड़े स्तर पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो यहां पे आपका ज्योग्राफी का पहला लेसन हो जाता है खत्म। इसमें आप देखो तो जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया आपको, है ना। अब इसमें अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछ लिया जाता तो बहुत हद तक आप लिख पाओगे, ठीक है ना। और एक बार क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा तो बेहतर होगा, ठीक है। तो वीडियो को करूं लास्ट, इस तरह से आपको कौन कौन सा टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूंगा उन टॉपिक को बेहतर से बेहतर अंदाज में आपको समझाने के लिए। ओके, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, मिलता हूं, बाय बाय।